आजकल के बुढ़े, ये जेनरेशन ही को चला गए। अरे जाने दीजिए ना आप, जो बीत गई सो बात गई। ऐसे कैसे जाने दूं? वो वहां बैठ के कविताएं सुन रहा होगा और मैं यहाँ पे। छोड़िए ना, जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें? आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चले, थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं। अच्छा है, आगे सुनो। नहीं आगे नहीं सुनाऊंगा, आगे सुनाऊंगा तो आप हमें प्रपोज कर बैठेगी। पागल हो? अरे सच्ची, आपके पसंदीदा शायर हरिवंश राय बच्चन जी सुबह एक मोहतरमा से मिले, अपनी नज़में सुनाई और शाम को उनका निकाह हो गया। पढ़ा मैंने। Really? और क्या, तो देखिए ना पैदा भी किसको किया, अमिताभ बच्चन। चग्गू। चग्गू मेरा नाम, पापा ने तो उसे भयंकर नाम दिया था, जगत जननी। स्कूल में सब चढ़ाते थे, तब मैंने शॉर्ट कर दिया चक्कू। मुंबई से हो? नहीं दिल्ली, टीवी प्रोडक्शन का कोर्स कर रही हूँ। तुम? मैं सरफराज, यहाँ पे आर्किटेक्चर पढ़ रहा हूँ और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ पाकिस्तान एम्बेसी में। पाकिस्तान एम्बेसी में क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, अब इंडियन एम्बेसी में तो काम नहीं मिलेगा ना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। पाकिस्तान से हूँ इसलिए हंसी फिर हो गई। चलिए खुदा हाफिज। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, चार कदम चल दो ना साथ मेरे। तुमको जो धूप सताए, छांव बिछा देंगे हम, अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम, छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम, हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे चार कदम। तुम सा मिले जो कोई रहे गुजर, दुनिया से कौन डरे, चार कदम क्या सारी उम्र चल दूंगी साथ तेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम
थैंक यू मम्मी पापा शी इज फॉलन इन लव फॉलन इन लव ही इज सो क्यूट और फोटो दिखा मुंडा करदा की है ज्वाइंट फैमिली का तो नहीं है तुसी शांत हो जाओ मां मैं सब बताती हूँ तू पहला ना दस सरफराज मुसलमान है हाँ जी पापा आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं आप फैमिली पाकिस्तान में पाकिस्तान केड़ा पाकिस्तान माँ एक ही तो पाकिस्तान है भाई तू बुरका पाएंगी नमाज पढ़ेंगी जगू तेरी मत से नहीं मारी गई जगू तो डिस्कनेक्ट मत करना हिलना मत वहीं रहना घर निकाल जल्दी सरनाश हो गया भगवान मदद कीजिए पापा कहाँ जा रहे थे जानती थी मैं बचपन से हमने अपने माँ बाप की शक्ल से ज्यादा तपस्वी जी की शक्ल देखी थी बाय मॉम स्कूल के बस्तों से लेकर हमारे बाथरूम की दीवारों तक तपस्वी जी हर जगह मौजूद थे उनसे मुहूर्त निकलवाए बिना वो अपना रूट कनाल तक नहीं करवाते थे पापा को तपस्वी जी ने एक गॉड बॉक्स दिया था जिसमें हर कार्य के अनुरूप भगवान मौजूद थे पापा शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे होते तो लक्ष्मी जी को स्क्रीन दिखा देते थे ट्रेडमिल पे होते तो हनुमान जी निकाल लिए जाते थे इंटरनेट आरती ऑनलाइन दर्शन कुरियर से प्रसाद ये सब तपस्वी जी के दिमाग की पैदाइश थी जल स्पर्श कर क्यों जगत जननी क्यों आत्महत्या करना चाहती हो एक कागज उठाओ कलम उठाओ और लिखो प्रभु पथ प्रदर्शित करें जी जी जो आ गया प्रभु भविष्यवाणी लिखो जगत जननी ये पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम सरफराज है धोखा देगा सरफराज धोखा नहीं देगा इतिहास साक्षी है बेटा इन लोगों ने छल कपट और धोखे के सिवा किया क्या है ये तुम्हारे तन का उपयोग करेगा भोग विलास करेगा लेकिन विवाह नहीं करेगा लापता हो जाएगा ये जगु तू अभी वापस आ अगर एक रात और वहां बिताए तो समझ ले कि हमारा रिश्ता खत्म सानी साहब बच्ची से मैं बात करता हूं बेटा डिलीट बटन दबाओ और इसे अपने सिस्टम से निकालो हेलो क्या हुआ You love me? Of course I do. क्यों? शादी करोगे मुझसे? Hello, पर हुआ क्या? हाँ ना सरफराज. हाँ पर कल. कल? कल हम शादी करेंगे. तपस्वी जी की भविष्यवाणी गलत है. I'll prove it. Mr. James Herrick and Miss Oprah Brown, you're next. James isn't here yet. Oh, talk to the registrar. Could you just hold this, please? Of course. Hello. This is for you. For me? Yeah. Thank you. सरफराज की चिट्ठी थी लिखा था शादी दो लोगों की नहीं दो परिवारों की होती है हमारे देश लोग धर्म सब अलग है अपनों को दुखी करके हम खुश कैसे रह पाएंगे मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना सॉरी Where to go, young lady? New Delhi. मैं अपने शहर तो लौट आई पर पापा ने घर में जगह नहीं दी
मैंने एक न्यूज चैनल ज्वाइन कर लिया। बॉस किसी डिप्रेस कुत्ते को पकड़ के लाया, ब्रेकिंग न्यूज करनी है। कभी न्यूज मिलती थी, कभी बनानी पड़ती थी। लापता, मिसिंग।